कर्ण प्रिज्म सक्सेस एकेडमी पीएसए क्लब की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। क्या लिया और कहाँ कहाँ उन्होंने परेशानियाँ झेली वो सब कुछ आपके सर मेरे यहाँ पे आए थे, पता नहीं था कौन है कौन नहीं। नहीं नहीं, वो फ्लैट की प्रॉब्लम जो आई थी, ये पसीना उसी टाइम के बाद आना शुरू हुआ है, उससे पहले बड़े बड़े मतलब के पड़े भी थे, अब तो बाहर फेंक दिए क्योंकि कौन सी टैबलेट से सर मेरे को शुगर भी हो गया था। अच्छा, धड़कन भी होती थी, बहुत दिक्कत थी सर इनको, और ये बता रहे थे कि शुगर भी था सर इनको। कोई धड़कन बढ़ती है सर, अब डर भी नहीं लगता, पहले मैं डरती थी किसी से। अच्छा, अब नहीं लगता सर, अब तो मैं प्रकृति में आप कंफ्यूज मत होना, जैसे परमात्मा ने हमारी तीन तरह की प्रकृति बनाई, आपको सारे के सारे दवाइयों में चले जाएं तो परिवार को कैसे चलाएंगे, तो सिचुएशन बहुत गंभीर हो जाती है एक परिवार। नमस्कार साथियों, मैं रामकरण प्रिज्म सक्सेस एकेडमी पीएसए क्लब की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज फिर हम एक रिज़ल्ट के लिए आए हैं और ये रिज़ल्ट हमारे को जैसी इन्फॉर्मेशन आई है कि हर्ट की कोई प्रॉब्लम थी, तो हर्ट की प्रॉब्लम में रिज़ल्ट आया। बहुत सारे इंडियंस हैं जिनको हर्ट का प्रॉब्लम है, एक्चुअल में तो बहुत सारे लोगों को तो हर्ट का प्रॉब्लम होता भी नहीं है, और अज्ञानतावशी कह लो हम सोच लेते हैं कि हर्ट का प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम क्या थी, कब से थी और क्या सिम्टम थे, क्या दिक्कत होती थी, उन सभी बातों को हम उनसे जानते हैं और कहां कहां से दवाइयां खाई, क्या क्या लिया और कहां कहां उन्होंने परेशानियां झेली, वो सब कुछ आपके साथ इस रिज़ल्ट के वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इस रिज़ल्ट को शूट करने का एक ही ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे वेलनेस एडवाइज़र हैं या जो लोग परेशानियों में जूझ रहे हैं या आपके आस पड़ोस में किसी को प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो उन सब को बेनिफिट इससे हो सके, ठीक है जी। तो ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आपने करना है और उन सब लोगों को भेजिए जिनको ये प्रॉब्लम है, ताकि उनका सलूशन हो पाए। तो चलते हैं एक बार घर के अंदर और पूछते हैं, ठीक है जी। आइए सर। नमस्कार जी, बैठो जी, नाम बताएं पहले तो। मंजीत कौर है सर मेरा नाम। मंजीत कौर जी, ये गांव कौन सा है जी? ये अद्दू माजरा है सर। अद्दू माजरा अंबाला में पड़ता है। अंबाला में, हाँ जी। ठीक है जी, मैं एक छोटी सी आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। अच्छा, आंगनवाड़ी में काम करते हो, ठीक है जी। मैं सर मेरे यहाँ पे आए थे, पता नहीं था कौन है कौन नहीं। नहीं नहीं, वो तो चलो मैं बताऊंगा, पहले तो ये बताइए आपको दिक्कत क्या थी। सर मेरे को ना पसीना बहुत ज्यादा आता था। पसीना आता था, हाँ जी, ठीक है जी। और एक बार मतलब के हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टरों ने बोला अटैक आ गया। कहाँ पे गए थे हॉस्पिटल में? अंबाला में किरण हॉस्पिटल है। किरण हॉस्पिटल में आप गए तो वहाँ पे कोई टेस्ट कराया था आपने? हाँ जी, उन्होंने टेस्ट किए थे मेरे। कब की बात है जी? सर आज से 2-3 साल पहले, उस दिन से गोली चली हुई थी मेरी। और जब ये 2-3 साल पहले आपके साथ हुआ था अटैक की प्रॉब्लम जो आई थी, ये पसीना उसी टाइम के बाद आना शुरू हुआ या उससे पहले भी आता था? सर उस दिन पहली बार आया था, मतलब के बहुत ज्यादा लाइटिंग उल्टियां वगैरह भी बहुत हुई थी। ठीक है जी, दर्द भी हुआ था? दर्द भी, हाँ जी। कहाँ पे दर्द? छाती में, पीछे निकला था, बाजू में भी था? बाजू में भी था सर। ठीक है जी, पहले कोई प्रॉब्लम थी ऐसी आपको, सांस वगैरह की? कुछ भी नहीं सर, अब बल्कि दवाई लेने से सांस भी फूलने लग गया था। आओ चलो, ये तो बात है जी। उस टाइम पे वजन कोई ज्यादा था आपका? नहीं सर, बाद में ही बढ़ा मेरा वजन। अच्छा, उस टाइम वजन भी ठीक था आपका? हाँ जी सर। ठीक है जी, फिर भी मतलब हार्ट की प्रॉब्लम आपको? हाँ जी। धड़कन वगैरह भी बढ़ती थी? हाँ जी, डॉक्टर यही बोल रहे थे धड़कन बढ़ गई और अटैक आ गया आपको। धड़कन बढ़ी है, क्या टेस्ट हुआ था, कुछ ध्यान है आपके? एंजियोग्राफी हुई थी या ब्लड टेस्ट हुआ? हाँ जी सर, काफी थे बड़े बड़े मतलब के पड़े भी थे, अब तो बाहर फेंक दिए क्योंकि अब ठीक हो गए। अब ठीक है, हाँ जी। ठीक है जी, तो मैडम को जो प्रॉब्लम है 2-3 साल पहले, जैसे आप लोगों से इन्होंने बात भी की है, हार्ट की प्रॉब्लम इनको आई थी, डॉक्टर्स ने ऐसा डायग्नोज करके इनको बताया था, और जो सिम्टम ये बता रहे हैं, यहाँ पे पेन होना, पीछे निकलना और बाजू में भी दर्द हुआ होगा आपको? हाँ जी सर। ठीक है जी, तो है तो हार्ट अटैक के ही चांसेस हैं, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, ठीक है जी। और 2-2.5 साल पहले इनको ये प्रॉब्लम आई थी, अंबाला में ये किसी हॉस्पिटल में गए, उस टाइम से इनकी टैबलेट चली हुई थी, जो उन्होंने चलाई थी, वो कौन सी टैबलेट? टैबलेट से सर मेरे को शुगर भी हो गया था। अच्छा, वो मतलब पता नहीं मेरी सोच थी, पर मेरे को शुगर भी हो गया था सर अब 1 साल से।
ठीक है जी, वो टैबलेट है अभी आपके पास? नहीं सर, अब तो मेरे पास सारे ही। अच्छा, फेंक दी वो? हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है सर, सारी। तो योगेश जी ने उनको ट्रीटमेंट दिया था। योगेश जी आप भी इस तरफ ही आ जाओ आप, या हाँ इस तरफ ही आ जाओ आप, चेयर लेके ना। नमस्कार जी मैडम जी। नमस्कार, ठीक हो आप? हाँ जी सर। योगेश जी, जब ये पहली बार आपको मिले थे तो क्या कंडीशन थी इनकी? सर इनकी बहुत बुरी कंडीशन थी, जैसे सांस चढ़ता था इनको और शरीर बीपी भी बढ़ता था, धड़कन भी होती थी, बहुत दिक्कत थी सर इनको, और ये बता रहे थे कि शुगर भी था सर इनको। अच्छा, तो आपने इनको चेक किया? हाँ जी सर। ठीक है जी, इनकी प्रकृति को चेक किया जी सर, उसके बाद इनको ट्रीटमेंट दी। कितना समय पहले आपने चेकअप किया था इनको? सर मैंने पहली बार दो मंथ पहले इनको चेकअप किया था सर। दो मंथ पहले? हाँ जी सर। ठीक है जी, उस टाइम आप दवाइयाँ भी खाते होंगे जी, एलोपैथी? हाँ जी सर। मेरे को तो ये नहीं पता सर, यहाँ पे पास में एक डॉक्टर पढ़ता है, परसीना आ जाए जैसे कुछ भी हो जाए, मेरे हस्बैंड साथ के साथ उठा के लेके जाते थे। अच्छा, जैसे गाड़ी खराब हो जाए तो इस मिस्त्री पे ले जाओ भैया। पास लेके जाना पड़ता था जी, दूसरे तीसरे दिन लेके जाना पड़ता था। आज इनको बुखार भी आता है ना जी, तो भी ये आयुर्वेदा से ही ऑर्गेनिक चाय की पत्ती का काढ़ा बना के पीते हैं, कुछ भी नहीं। देखो उस टाइम पे आपको कंडीशन क्या थी, आज की डेट में मैं आपको पूछता हूँ, अभी कोई पसीना आता है आपको? नहीं सर। कोई धड़कन बढ़ती नहीं है सर, अब डर भी नहीं लगता, पहले मैं डरती थी हर किसी से। अच्छा, अब नहीं लगता सर, अब तो मैं। अब ऐसा क्या हो गया? पता नहीं सर, मेरे सीनियर हैं जो, जैसे मतलब क्या, मैंने बताया आपको कि आंगनवाड़ी वर्क करूं जी, जैसे मेरे सीनियर अगर उनको आना होता तो मैं पहले ही डर जाती थी, अब नहीं डरती सर। अब नहीं डरते? ठीक है जी, तो अब कोई धड़कन नहीं बढ़ती? नहीं सर, कोई पसीना नहीं आता? आप फिट मानते हो? खाना पीना भी खुला है सर, पहले मेरा समोसा समोसा सब बनता। अच्छा, अब खा लेते हो? हाँ जी, अब खाती हूँ। ठीक, ज्यादा भी नहीं खाने का भी फिर दिक्कत हो जाए। ठीक है जी, तो अब मतलब फिट मानते हो आप अपने आप को? ठीक है जी, तो जो वो दवाइयाँ उन्होंने चलाई थी आपकी ढाई साल पहले हॉस्पिटल वालों ने, तो वो तो खा रहे होंगे फिर अभी? नहीं सर, बंद कर दी मैंने। उन्होंने बोला नहीं होगा आपको भी बंद नहीं करनी है? नहीं सर, ये बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोगों को बोला जाता है भी ये दवाई तूने खानी है, अगर ये दवाई तूने बंद कर दी तू गया। ठीक है ना जी, ऐसा बोला जाता है, ऐसा हॉस्पिटलों की तरफ से उनको हिदायत दी जाती है। देखिए पता क्या होता है, मतलब वो भी ठीक है अपनी जगह, वो गलत नहीं है, उनको ये नहीं पता कि ये व्यक्ति जो इनको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज, जो इनको ये प्रॉब्लम थी वो लाइफस्टाइल डिजीज थी, मतलब जिंदगी में कुछ गड़बड़ हुई इनके खाने पीने में, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम इनको हुई। तो अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दोगे तो आपको कोई बीमारी रहेगी ही नहीं। ठीक है जी, तो इनके साथ हमारे जो साथी हैं योगेश जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, इनकी प्रकृति को देख के, इनके लाइफस्टाइल को देख के, प्रकृति में आप कंफ्यूज मत होना, जैसे परमात्मा ने हमारी तीन तरह की प्रकृति बनाई, आपको सीधी भाषा में समझाता हूँ, एक गाड़ी पेट्रोल की होती है, एक डीजल की होती है, और एक गाड़ी गैस पे चलती है या इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। तो डीजल पे जो गाड़ी चलती है उसमें डीजल डलेगा, पेट्रोल पे जो गाड़ी चलती है उसमें पेट्रोल डलेगा, जो गैस पे गाड़ी चलती है उसमें गैस डलेगी। पेट्रोल वाली में डीजल नहीं डाल सकते, डीजल वाली में पेट्रोल नहीं डाल सकते, और गैस वाली में ना डीजल डाल सकते हैं ना पेट्रोल, उसमें गैस डलेगी। तो ऐसे ही हर व्यक्ति की प्रकृति होती है, मेरी प्रकृति अलग है, इनकी प्रकृति अलग है, इनकी प्रकृति अलग है, परमात्मा ने हम तीनों को अलग बनाया है। तो जब हम तीनों अलग हैं तो हमारा फूड एक जैसा कैसे हो सकता है? खाना वही रहेगा लेकिन खाने को खाने की विधि अलग रहेगी। तो हमारे को सबसे पहले ये जानना है कि मैं गलत क्या खा रहा हूँ। तो हमारे जो वेलनेस एडवाइज़र हैं, सबसे पहले तो उन्होंने ये डायग्नोज किया कि ये गलत क्या खा रहे हैं, इनके लाइफस्टाइल को सुधारा, फिर इनको कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऐसा दिया जिससे जो कॉम्प्लिकेशन इनके शरीर में आई हुई थी उस कॉम्प्लिकेशन को ठीक किया, इसलिए ये फिट हैं आज। और ये फिट नहीं है, ये परिवार फिट है, क्योंकि एक लेडीज जब ठीक हो जाती है घर में तो परिवार बच जाता है। उस टाइम पे जब आप बीमार थे जी, सर मेरे तो माँ बाप भी बहुत खुश हैं क्योंकि मेरी पहले एक सिस्टर की डेथ हो गई थी, ठीक है, आज वो बहुत खुश हैं कि हमारी बेटी ठीक है, तो सब ठीक है। अच्छा, उस टाइम पे जब आप बीमार रहते थे काम करने को मन करता था घर में? सर मैं तो लेटी रहती थी, ट्रैवलिंग भी नहीं कर पाते थे सर, गाड़ी में जैसे शीशे बंद करके, तो बिल्कुल ऐसा होता था इनको कि मरेंगे, बिल्कुल ऐसा हो जाता था, घबराहट हो जाती होगी। तो आप सोच सकते हैं, एक परिवार की कंडीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस परिवार में एक लेडीज़ काम करने वाली है, घर को संभालने वाले हैं, वही अगर बिस्तर पे लेटी हुई है
उसका मन नहीं कर रहा काम करने को। और हस्बैंड क्या होते हैं भाई, या बच्चे हैं, बच्चे पढ़ने चले गए, हस्बैंड काम पे जा रहे हैं, वो काम पे से जब घर आए थके हारे होते हैं, ठीक है जी। अगर वाइफ बेड पे लेटे हुए हैं, और ज़्यादा हम मिडिल क्लास लोग हैं, इतने हमारी इनकम भी नहीं होती, जितने हम कमाते हैं अगर वो सारे के सारे दवाइयों में चले जाएं, तो परिवार को कैसे चलाएंगे। तो सिचुएशन बहुत गंभीर हो जाती है एक परिवार के लिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि इनकी तबीयत ठीक नहीं हुई है, इनके साथ साथ पूरे परिवार की तबीयत ठीक हुई है, बच्चे की तबीयत ठीक हुई है, क्योंकि बच्चे को उसकी माँ मिल गई असली वाली, ठीक है जी। हस्बैंड को उसकी वाइफ मिल गई, और इस परिवार को इस संभालने वाली एक लेडीज़ मिल गई जो बिस्तर पे लेटी रहती थी, आज अपना काम करती है। तो भाई यही है आयुर्वेदा की ताकत, की जो 2.5-3 साल में उन गोलियों ने इनको क्या दिया, शुगर गिफ्ट में दे दी। हर्ट को तो क्या ठीक करना था, शुगर गिफ्ट में मिल गई। बहुत सारे पेशेंट के साथ यही होता है, हर्ट ठीक करवाने जाते हैं, शुगर बाय प्रोडक्ट गिफ्ट में मिल जाती है, किडनीज फेल हो जाती हैं, और थायराइड की प्रॉब्लम आ जाती है, तरह तरह की दिक्कत आ जाती है। और आयुर्वेदा का देखिए, ट्रीटमेंट हर्ट के लिए चलाई थी, लेकिन बॉडी को पूरे का पूरा चेंज कर दिया, नेचर को पूरा चेंज कर दिया और फिट कर दिया। तो बहुत बहुत बधाइयाँ जी आपको, आप फिट हो गए। ऐसे ही आपने हेल्प करनी है समाज की, लोगों को गाइड करना है, ताकि वो एलोपैथी के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ के अपने आप को खुद ठीक करें, अपने खाने को ठीक करें, अपने सिस्टम को ठीक करें, ताकि वो भी फिट रहें, ठीक है जी। हाँ जी सर, मेरी तो यही शुभकामनाएं, जीवन भर आप आयुर्वेदा को अपनाएं, अपने खाने को ठीक रखें, ताकि दोबारा कभी बीमार होने की पोजीशन में ना आए। तो योगेश जी ऐसे ही लगे रहिए, आप भी लोगों की हेल्प करते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए, ठीक है जी। इनको भी वात पित्त कफ कैसे देखते हैं, चेक करते हैं, आयुर्वेदा का ज्ञान आप इनको भी दें, ताकि ये भी 4 लोगों की हेल्प करें समाज में, ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मेरा एक ही है जी, आपने कुछ नहीं करना। अगर मेरा थैंक यू करना चाहते हैं, तो अपने जीवन में जो भी आपको दिक्कत परेशानी में मिले, उसकी हेल्प करना बस, ठीक है सर जी। ठीक है जी, उसको सही ज्ञान से सही दिशा दे के आगे बढ़ाना, ताकि वो जिंदगी में सही तरीके से अपना जीवन यापन कर सके, ठीक है जी। तो दर्शकों, शुक्रिया आप लोगों का भी इतना प्यार देने के लिए। और दोबारा फिर आपसे वही, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटे को दबाना ना भूल लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए, ताकि किसी का भला हो सके। थैंक यू, जय हिंद।